बहन, आज हम लोग चैप्टर एट का चैप्टर एट क्लास नाइन का चैप्टर एट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो मोशन चैप्टर्स है, फिजिक्स का मोस्ट फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, मोशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को रेस्ट के बारे में पढ़ना है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड दैट इज़ यूनिफॉर्म स्पीड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टेंट स्पीड, वेरिएबल स्पीड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ओके, एवरेज स्पीड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मीन स्पीड, एंड लास्ट वन दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द यूनिट ऑफ स्पीड एंड विच टाइप ऑफ क्वान्टिटी इट बिलोंग्स। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ओके, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके। देन वी डिस्कस अबाउट, जब फिर हम लोग आगे बात करेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो हमारा जो टर्म्स है एक्सेलरेशन के लिए, यूनिट क्या होता है, वो कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है, v=ut + at, जिसको हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। ac = ut + ½at² दैट इज कॉल्ड पोजिशन टाइम रिलेशन। v²=u²+2as दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दैट इज कॉल्ड द पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन, ओके। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द ग्राफ, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ओके। ये चैप्टर में हम लोग को ये डिस्कस करना है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग, रेस्ट से स्टार्ट करते हैं। रेस्ट, ओके, रेस्ट इज द टर्म। रेस्ट जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि जैसे मान लो हम अभी अपने क्लासरूम में खड़े हैं, ठीक है, तो हम अपने पोजीशन को तो चेंज नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे खड़े हैं तो मेरा पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे हम अपने सराउंडिंग का मतलब क्या हो गया, वॉल, मेरा ट्राईपॉड कैमरा, उसके कंपेयर में हम रेस्ट में हैं। लेकिन जब हम अपने जगह से इधर उधर हटते हैं तो मेरा पोजीशन चेंज हो जाता है, मेरा बॉडी क्या होता है, रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट होते हैं तो हम अपने पोजीशन को चेंज करते हैं, समझ में आ रहा बात, ठीक है। तो रेस्ट में, रेस्ट के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, ओके, नो चेंज इन पोजीशन, ओके, दैट इज रेस्ट एंड दैट इज द मोशन। ठीक है, रेस्ट if an object does not change its position, with respect to time and surrounding, if an object does not change its position, यदि कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है,
ठीक है। ऑब्जेक्ट जैसे सपोज करो, यहाँ पर सपोज करो ये एक सरफेस है, यहाँ पर एक आदमी वेट कर रहा है, ठीक है। ये कब है? टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। और टी इक्वल टू टी सेकेंड या टी इक्वल्स टू सपोज करो हम 5 सेकेंड ले लेते हैं, तो बॉडी अपने इसी पोजीशन पर है, ठीक है। तो बोलेंगे कि दैट इज ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, क्लियर। नेक्स्ट इज मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग्स। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन, डज नॉट चेंज चेंज, ओके। सो सपोज हेयर इज, मान लो यहाँ पर एक आदमी है, वो t इक्वल टू 0 सेकेंड में यहाँ पर है, ठीक है। फिर ये आदमी t इक्वल टू 5 सेकेंड्स में यहाँ से यहाँ तक ये मूव कर जाता है, मूविंग फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग द पोजिशन ऑफ द बॉडी चेंज। इस केस में बॉडी का पोजिशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ मोशन, ओके। इसको नोट्स में भी लिखते चलो, ठीक है। और या फिर हम अपने डिस्क्रिप्शन में वीडियो हम अपने इसका नोट्स हम डाल देंगे, वहाँ से तुम लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग अभी क्या बात किए? रेस्ट, इफ द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ रेस्ट। इफ द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, वी कॉल इट द स्टेट ऑफ मोशन, ओके। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन दैट इज टू टाइप्स, यूनिफॉर्म मोशन uniform motion and non-uniform motion. What happened in uniform motion? Uniform motion में क्या होता है? Body equal distance in equal time interval. When a body covers equal distance in equal time interval, ठीक है। When a body covers equal distance in equal time interval, then it is called uniform motion. जैसे सपोज करो हम लोग एक ट्रैक यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ये ट्रैक का पोजिशन है, दैट इज कॉल्ड, दिस इज ए,
बी सी एंड दिस इज कॉल्ड डी। ठीक है, यहां पर ये 0 किलोमीटर है, यहां पर कितना है 0 किलोमीटर। जब यहां पर एक आवर में यहां 20 किलोमीटर हो जाता है, वन आवर। ठीक है, फिर 40 किलोमीटर इन नेक्स्ट वन आवर, नेक्स्ट वन आवर 60 किलोमीटर। ओके, सो 0 किलोमीटर बिफोर वन एंड आफ्टर वन आवर इट इज़ एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर वन आवर इट इज़ 40 किलोमीटर। सो इक्वल डिस्टेंस 0 to 20, हाउ मच इट इज़ द इंटरवल, यहाँ कितना का इंटरवल है 20 किलोमीटर, यहाँ कितना का इंटरवल है 40 - 20 20 किलोमीटर, यहाँ कितना का इंटरवल है 60 - 40 दैट इज 20 किलोमीटर। ओके, सो दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ओके, इक्वल डिस्टेंस यू मे अंडरलाइन दैट इन इक्वल टाइम इंटरवल, राइट। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक्स दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, व्हेन ए बॉडी covers unequal distance in equal time interval is called non-uniform motion. Okay, you can understand with the help of example. हम लोग इसको इस example से समझ सकते हैं। Suppose this is the fourth position. This is position A, B, C, D. 0 kilometer, 80 kilometer. Okay. 0 kilometer, 40 kilometer, 120 kilometer, 140 kilometer. How much is the distance? यहाँ कितना का इंटरवल है 40 किलोमीटर का इंटरवल है। ठीक है, यहाँ कितना का इंटरवल है 120 - 40 दैट इज 80 किलोमीटर। यहाँ कितना का इंटरवल है 140 - 120 इट इज 20 किलोमीटर। ओके, सो 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर, दिस इज द अनइक्वल डिस्टेंस, दिस इज द अनइक्वल डिस्टेंस। एक्चुअली नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, जब ट्रैफिक ज़्यादा जाम होता है। ठीक है, तो जब ट्रैफिक जाम होता है उस समय में बॉडी का जो मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ओके, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में के समय में वी कैन नॉट कैलकुलेट
द एग्जैक्ट स्पीड यू आर वी कैन कैलकुलेट द व्हाट टाइप ऑफ स्पीड एवरेज स्पीड और मीन स्पीड. ओके सबको समझ में आ रहा है. यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल. यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल. इसको हम लोग इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है, 0 किलोमीटर से 20 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लग रहा है, फिर 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर जाने में 1 आवर लग रहा है, फिर 40 से 60 किलोमीटर जाने में 1 आवर लग रहा है. तो सभी जगह पे हम लोग को कितना का इंटरवल है, 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर, और यहाँ कितना का इंटरवल है, 40 देन 80 देन 20. यहाँ क्या हो रहा है, 0 से 40 हो रहा है स्पीड, 0 से 40, फिर कितना हो रहा है, 40 से 120, मतलब इसका स्पीड बढ़ जा रहा है, फिर 120 से 40 140, मतलब स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है. दैट इज़ कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट इज वी टॉक्ड अबाउट डिस्टेंस. डिस्टेंस ओके डिस्टेंस टोटल लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस. टोटल लेंथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस. ओके सपोज दो पॉइंट है, ए और बी पॉइंट्स है. ठीक है, ए से बी का जो डिस्टेंस है सपोज करो 4 किलोमीटर है. ठीक है, या 4 मीटर है, जो भी, क्योंकि हम लोग एमकेएस यूनिट यूज़ करते हैं तो डिस्टेंस के लिए मीटर लेंगे तो मीटर यूज़ करते हैं. तो सपोज करो कोई स्टूडेंट्स है या कोई आदमी है, वो ए से बी की तरफ जा रहा है तो 4 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो इनिशियल पोजीशन क्या हो गया, ये क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट, एंड दिस इज कॉल्ड द फाइनल पॉइंट. तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर. मान लो ये लौट आता है फिर, ठीक है, जब ये रिटर्न आता है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी. ए बी कितना है, 4 मीटर प्लस 4 मीटर इक्वल्स टू 8 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस हम लोग का कितना मिल गया, 8 मीटर. ठीक है, सो डिस्टेंसेस. लेकिन सपोज करो यदि पाथ ऐसा है, फॉर सर्कुलर पाथ इन सर्कुलर मोशन, यदि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो
तो उसका डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, सपोज करो ये इसका ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर है, और यहाँ से इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर है, ठीक है। सपोज करो कोई बॉडी यहाँ पर है, ये इस पोजीशन से चल करके जब ये एक चक्कर पूरा कर रहा है तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो सर्कुलर पाथ में जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में रहेगा, सर्कुलर पाथ होगा, तो उसको डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू सर्कमफ्रेंस इज हाउ मच, 2πr। सो वी कैन कैलकुलेट, यदि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस को हम लोग इस तरह से निकालते हैं, लेकिन जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, हियर r इज कॉल्ड द रेडियस। ओके, सो डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस जैसे बॉडी ए से बी पे गया और फिर रिटर्न बी से ए पे जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, ए बी प्लस बी सी दैट इज 4 मीटर प्लस 4 मीटर इट बिकम्स 8 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस इज, हम लोग का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 8 मीटर आ गया। लेकिन मान लो कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ में, फॉर सर्कुलर पाथ इन सर्कुलर मोशन, तो उस समय में हम लोग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं सर्कमफ्रेंस से। तो सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr, जहां r क्या है, रेडियस। ओके, नोट इट डाउन।